वसुंधरा राजे खेल गई बड़ा खेल। बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पार्टी आलाकमान की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट संदेश नहीं आया है, लेकिन लगता है कि बीजेपी अभी वसुंधरा राजे को साथ लेकर चलने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बैठक में इसी का संकेत मिला है। तो इधर राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस का सियासी माहौल तेज है, उसको बीच में लेकर बीजेपी आ गई है। बता दें शुक्रवार को वसुंधरा राजे को उदयपुर में अमित शाह के साथ एक मंच साझा करते हुए देखा गया। इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती देखने को मिली। राज्य का इस रैली में बोलने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अमित शाह ने जोर देकर उनसे रैली को संबोधित करने के लिए कहा। शाह ने यह भी कहा कि राज्य के बोलने के बाद भी वह रैली को संबोधित करेंगे। अभी तक बीजेपी ने वसुंधरा राजे को कथित तौर पर किनारे की कोशिश नहीं कर पाई है, लेकिन पीएम मोदी के बाद पार्टी का सबसे शक्तिशाली नेता अमित शाह के मंच पर यह केमिस्ट्री स्पष्ट संकेत देती हुई दिखाई दी कि बीजेपी में राजस्थान में अपना नया व्यवस्थित कर लिया है। देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में अब से लगभग 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने गए। चुनाव के मद्देनजर साफ है कि बीजेपी वसुंधरा राजे के दरकिनार नहीं करेगी, लेकिन पार्टी एक चेहरे के नाम पर चुनाव भी लड़ सकती है। जिस तरीके से अमित शाह उनको बोलने का मौका दिया, तो वसुंधरा राजे की अब से बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस का संकेत बहुत ज़्यादा है पहले से, लेकिन उसके बीच अब वसुंधरा राजे गिर गई है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर सकते हैं।